ये उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तब हम लोगों ने तय किया कि अब ज्यादा दिन तक रुक के फायदा नहीं है, अगर ज्यादा दिन हम रुके रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये देश फिर से राजतंत्र के हाथ चलों चला जाएगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी हमें पैरों पर खड़ा करती थी, उस सरकारी नौकरी को खत्म कर रहे हैं। ठेका, संविदा, इनके नाम पे आरक्षण की हत्या करके अपने लोगों को बिठा रहे हैं, लेटरल एंट्री से अपने लोगों को बिठा रहे। तब हमने इस काम को शुरू किया और आज आपके संघर्ष से देश भर में चर्चा है कि राजभवन पर 3 तारीख के जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम ऐतिहासिक होंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना, आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। अगर आज ऐसा माहौल हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मुझे संघर्ष करना आप लोगों ने सिखा है, मुझे ताकत आप लोगों ने दी है। अगर आप लोगों ने संरक्षण न दिया होता, मेरी साथ न दिया होता, तो शायद आज राजस्थान में ये विश्वास और प्यार मजबूत नहीं होता। राजस्थान के लोगों ने तो मन बना लिया, उन्होंने सारे नेता देख लिया, उनको समझ आया कि आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारे लोग इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अरुण को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मनीषा बहन के परिवार को जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था सरकारी नौकरी का, आवास का वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को लगता है, क्योंकि अभी अभी वो दलित सम्मेलन कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको वॉकओवर दे दिया। आप ये महसूस करो कि जब कोई दुश्मन हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में, हमारे कस्बों में आए, तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को उनका विरोध करके अपने समाज को उनका सच बताना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी दलित सम्मेलन बुलाए, उसका एक जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया। इसका मतलब उनके नेता ये तय कर चुके कि हम तो कमजोर हो ही रहे हैं, अब ये अगर समाज 12 साल अम्बेडकर का मिशन छोड़ के भाजपा की तरफ चला जाए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कि अगर ये समाज अपनी राजनीतिक हैसियत छोड़ के नहीं गया और किसना को बन गया तो इनके हिस्से में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज के लोग इतनी संख्या में हो कि अपनी ताकत अपने बलबूते बना सकते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 68,000 घोटाला तो हुआ 20,000 पदों पर, लेकिन 68,000 पद सरकार ने रिलीज किए। मैं जब चुनाव में था तो देख रहा था कि वो बच्चे रोज भाजपा कार्यालय या सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनको पीट पीट के भगाने काम भाजपा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे दलित पिछड़े वर्ग के नेता, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप इन पार्टियों में पिछड़कू बन जाओगे तो क्या ये आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाएंगे? अपने मन से सोचो। वो भी चाहते हैं कि आप उनके दलों में आ जाओ, उसका कारण आपके पास वोट है, वो आपका ध्यान नहीं करते। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की चर्चा कुर्बानी से मिला वोट, वो इस बात को जानते हैं कि इनके पास वोट है, इनकी जरूरत है। लेकिन महसूस करो, जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नेता है, समाजवादी पार्टी में भी जो लोग नेता है, वो अपने नेताओं को बाईपास करके क्या आपकी आवाज उठा सकते हैं? जब वो आपकी आवाज नहीं उठा सकते
ऐतिहासिक था वो इतिहास में लिखा गया, उसका कोई जवाब नहीं आपको सहना भी पड़ा, सहना तब पड़ता है जब आपका नेता हाथ पीछे खींच रहे। 2 अप्रैल 2018 को जब आपने संघर्ष किया, जब 12 बजे तक बड़ी भीड़ जुटी, तब तक तो सब लोगों ने कहा हम भी शामिल है, हम भी शामिल है, लेकिन जब विरोधियों ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया, लाठियां को पीटने का काम किया, तो जिन नेताओं के भरोसे आप लड़ रहे थे उन्होंने कहा हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं, भाजपा को ताकत दे दी कि ये नौजवान जो अपनी जान की बाजी लगा के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पीटो, और परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग जेल गए और पुलिस ने जेल में पकड़े जाने के बाद इतनी लाठियां लोग पीटा मेरे भाइयों को, हजारों लोगों को राशुका लगी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप सब लोग बताओ क्या किसी पार्टी ने आपके हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया क्या? आप अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने उनकी रक्षा करने खुद आए। आज पूरे देश में पुलिस से पहले भीम आर्मी के नौजवान अन्याय होने पर जाते और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते बिना किसी स्वार्थ के। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपके 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस कराकर दिखाऊंगा, मेरी बात को याद रखना, चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे मेरी जिंदगी जेल में क्यों न कट जाए, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं होने दूंगा एक सरकार के आगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप भी सोचो मेरे साथियों, इस लोकतंत्र में जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाओगे तो आपके साथ ये जुल्म जातीय अन्याय प्रचार होता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और यहां से आप कुछ सीख कर नहीं जाते और जाके उस काम को अमल में नहीं लाते तो फिर ताकत कैसे बनेगी? ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम प्रॉपर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले कमेटी और जो हमारे पार्टी के फेंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो हाथ में कैमरा लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? मैं आ जाऊं तो आ जाओ और फिर जो जमीनी काम जिले में करना हो वो ना करो, मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी ना उठाओ तो ताकत कैसे बनेगी? मैं भी देखता रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे तरफ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे और हमारे बंत जी भी अब सीनियर लोग यहां बैठे। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। 12 वर्ष से पहले जब वो यहां चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते, जब 92 में अलायंस हुआ तो आपके अंदर हिम्मत जागी और आपने ताकत बनाने का काम किया। मैं आगरा के लोगों का स्वभाव जानता हूं, अलीगढ़ के लोगों का, हाथरस आश्रम के लोगों का, आज कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हमने राजस्थान में जाकर ताकत बनाने का काम किया कि आप भी जागो, आप भी मेहनत करो, आप भी लापरवाह मत बनो, राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे उससे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा, राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे उससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है उसका जवाब नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीन दबाई जा रही है, आरक्षण का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकतवर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा।
किसी भी संगठन की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, नेता नहीं होते। नेता तो कार्यकर्ता अपनी मेहनत से बनता, लेकिन अगर भीड़ अपना काम ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे तो कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं मंच पर भी जो हमारे नेता उनसे भी कहूंगा, अगर सच में कुछ बना के दिखाना है, ताकत अर्जित करनी तो मेहनत करो, सकल दिखाने का बंद करो। मैं आता हूं तो मंच पे आ जाते हो सब लोग, और फिर दोबारा तभी आते हो जब मैं आता हूं। उसके अलावा जो बुनियादी काम है जाले के गली गांव में जब संगठन बनाने का, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का, वो नहीं करते। और फिर चुनाव के बीच सोचते हो कि आपकी ताकत बन जाए, कैसे बन जाएगी ताकत? ये बैनर लगाने की ताकत नहीं बनेगी। ये राजधानी है आगरा, क्या हालात है इसमें आपको आपको सोचना चाहिए। जब तक आप जाके अपनी बात नहीं समझाओगे, जब तक आप जाके अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग तो सीधे बच्चे हैं, उनको जो कह दिया जाता है वो उसी को मानने लग जाते हैं। वो क्या जाने कि किस तरह ध्यान हृदय नहीं करके भी मानने वाले समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज आपको हालात पता क्या है, 2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। इस देश का संविधान है तो आपके लिए कुर्सियां हैं, आपके लिए मंच है, आप पे वोट देने का अधिकार है। इस देश का संविधान आया तो आप पे नौकरी व्यापार करने का अवसर मिला आपको। इस देश का संविधान आया तो आपका सम्मान बढ़ा, आपको समानता का अधिकार मिला। आपको क्या लगता है उस संविधान की रक्षा कोई और करेगा क्या? उस संविधान को लागू कोई और करेगा क्या? आज संविधान दिवस है, हमारे लोगों ने संविधान का कितने मोह समझा। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहां है, ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है, और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयर्स कॉलोनी दयालबाग, पुलिस के लोग यहां है। इनकी बच्ची इनको आने दो भैया, ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक महीने से गायब है, इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची एक महीने से गायब है, और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कब चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवरों के सत्ता में आ जाएगी, और फिर अगर हमने इनके कहे सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज कराने, जेल भेजने, में नौकरी लेना क्यों करेंगे मेरे साथ से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो, और आप
आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई डूब जाती अन्याय प्रचार किसी बच्ची पर नहीं हो सकता है। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है सिखवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में, कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आपका जुर्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है भाई चंद्रशेखर जी, आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय? आप सोचो, जब तक आप अपना काम जिम्मेदार से नहीं करो, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है टोपी पहनाना मुझे बदली करोगे कि मेरे बोले सामने मुंह दिखाई बात करो काम करो, तब तक नहीं बनेगा जिम्मेदारी, तब नहीं उठाओगे। अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि नानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या करिए? अगर कुर्सी भी कोई लालच होता तो अपना दल न बनाकर विचारधारा का आधारित माने काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का, किसी भी पार्टी में मैं और चित्तौर साहब श्री जी किसी पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए तब मनाया मैं कहना कितनी मेहनत करूं वाले आप लोग मेहनत नहीं करो, मैं तो धन्यवाद दूंगा चित्तौर साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। एक और एप्लीकेशन मेरे पास है, इनके पति गान और मुझे लग रहा है आठवें महीने की घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। कहाँ रहती हूँ? अलीगढ़। अलीगढ़ यहाँ पर कैसे आ रही? अलीगढ़ से मुझे थोड़ा सा समय, अपना नंबर लिखवा दो, किराए पर रहते हैं आप, मुझे थोड़ा सा समय ठीक है। अरे जी चार महीने पकड़े के ना चिंता मत करो, ये भी करो, ये इनके वाले एप्लीकेशन है, आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रोना पड़ेगा इसे, चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। कब आपके घरों का कहां लगे, आपके घरों का कहां जाए? मैं तो कह कह के थक चुका हूं और आगे भी उम्मीद करके आगे आया हूं कि आप जागोगे, आप अपनी ताकत बनाओ पर मेहनत करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप दूसरी पार्टी सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गए, आप सीख लो। उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है, आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा आप सबके सहयोग से, मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जा रही, नहीं बताया मुझे,
और यहाँ जो लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में तो कई हत्या ऐसे हुई मीडिया के रूप में चला है और गोली मार के हत्या करके खड़े हैं और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथ ही वहां बैठते देखो पुलिस आराम से बैठे आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता? ये तब तक पुलिस सरकार के होती है तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे आपको पूछा होगा। अगर यहां पर घटना घट जाए इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह भी पता कि जो तनखा इनको मिले वो हमारे टैक्स की है ये जितने लोग बैठे उनके टैक्स की है। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए मेरे लोगों को बेहतर उनकी तरफ ध्यान हटाओ उनसे मेरी बात पर ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए ये संविधान आपको शक्ति बढ़ाने का अवसर देता है। 5 साल बाद अभी आपके हाथ लोग विधानसभा के चुनाव दूर है लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी कर आप सामने न देखे अगर आप चाहते हो कि आपकी आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले अगर आप चाहते हो किसान को अपनी फसल का दाम मिले अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास जिसकी बदौलत मैं आपके क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों पर खड़ा कर सकूं बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा हर दिन 2-4 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी राजनीतिक पार्टी को ताकत देने के लिए। आपको लापरवाही बंद करनी पड़ेगी। आप दूसरे नेताओं की तरह जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप फुटकर डाट के नहीं घूम सकते हो आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट पहन के नहीं घूम सकते हो। अगर ये तिरपे घूमना चाहते हैं तो पहले तुम्हें हैसियत भी बनाओ उनका दिखावा मत करो वो तो धरना सेठ है उनके बड़े बड़े करोड़पति साथी है आपको क्या साथी। मैं भी चुनाव में होकर आया वो तो अच्छा हुआ कि भाई हनुमान जी बेनीवाल ने इतने साधन उनके समाज ने जुटाए थे उनके संगठन ने कि हमने हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार कर लिया। आप सोचो मैं सवाल छोड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाने में समय लगेगा प्रचार में 15 दिन का समय होगा कैसे होगा प्रचार ऐसा थोड़ा ही है। भाजपा के लोगों को तो बहुत पैसे हैं कांग्रेस के लोगों को समाजवादी वालों को भी बहुत पैसे हैं वो तो चले जाएंगे मैं कैसे जाऊंगा। आप कहोगे आओ आओ प्रचार कर दो रैली कर दो कैसे आऊंगा। वो ऐसा थोड़ा है कि हमारी नई पार्टी है हमें कहीं 15 दिन फालतू प्रचार कर लो ऐसा थोड़ा होगा। हमें भी उतने कम दिनों में अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं अपनी पार्टी को जैसे आपने आज सहयोग किया है फेरी देखे एक एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई से पेमेंट टू सोसाइटी जो बाबा साहब कहते थे एक एक पैसा जुटाकर अपनी पार्टी को भी आर्थिक रूप से मजबूत करो कि आपकी पार्टी किसी के ऊपर निर्भर न रहे आपकी पार्टी धन बल से भी मजबूत हो और आपकी पार्टी संख्या बल में भी मजबूत हो और आपकी पार्टी आगे भी बढ़े क्योंकि आपकी पार्टी ही आगे उत्तर प्रदेश में समता समानता बंधुत्व भाईचारे का माहौल देगी। आपकी पार्टी ही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेगी। आपकी पार्टी ही माननीय कांतिराम साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेगी।
आपकी पार्टी ही सरकार में आने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगी, जो आर्थिक रूप से गरीब है बीमारी होने पर उनको अच्छा इलाज देने का काम करेगी और भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम करेगी। अगर आज संविधान में खतरा है इसका मतलब जितने भी दल है भाजपा से लोग अपने काम जिम्मेदार से नहीं कर रहे, जैसे दो अप्रैल की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों में पाई थी ऐसे अपने इस आंदोलन की जिम्मेदारी की आप अपने कंधों पे सिर्फ मुंह दिखाई काम करोगे तो वो ही मिलेगा जो मिलता है, और अगर मेहनत से काम करोगे ईमानदार से काम करोगे संघर्ष करोगे तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आगरा के बाद क्षेत्रवासियों, क्या आप चाहते हो आजाद समाज पार्टी ताकत बने? दोनों हाथ धोकर बताओ कौन बनाएगा ताकतवरी से? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ताकतवर कैसे बनेगी बताओ? क्या एक जाति एक धर्म से बन जाएगी? तो बहुजन समाज बनाओ, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर सैनी निषाद कुर्मी यादव मुसलमान जैन सिख बौद्ध ईसाई सब भाइयों में इकट्ठा करो, दलित अपील जो सब जातियां वाल्मीकि पासी धोबी कोरी फटी सबको इकट्ठा करो, जो बहुजन समाज है उन सबको इकट्ठा करके भाईचारा बनाओ, भाईचारा कनेक्टिव बनाओ, सम्मान से करो और सदस्यता अभियान चलाओ, गली गली में गांव गांव में सदस्यता अभियान चलाओ और ताकत और बनो लोगों को जोड़ो, और जब संख्या में तैयार हो जाए तो अपने बीच के व्यक्ति को जिता के विधानसभा भेजो तब आपकी ताकत बनेगी। इस बार आप आगरा पे संकल्प ले लो कि उत्तर प्रदेश से भी आपको हर हाल में अपने लोगों को लोकसभा विधानसभा भेजना ही भेजना है, उसके लिए आप जो संगठन के लोग हैं उनको आज से लग जाना है, अपने बूथ सेक्टर तैयार करने विधानसभा कमेटी दूर करनी है और वंचित वर्ग की सभी जातों को इकट्ठा करके उनको संगठन में जिम्मेदारी देके उनके समाज को भी जोड़ के सम्मान को ख्याल रखते अधिकार का ख्याल रखते उनको भी भाईचारा पैदा करके आगे बढ़ाना। जब आप ये काम करोगे तब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी, और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आप लोग मजबूत होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहां से पढ़ूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप खड़े हो जाए अपनी जगह पे, आपसे भी आग्रह करूंगा सब अपनी जगह खड़े हो जाए। और मेरे साथ हो रहा है तुम लोगों ने आज निराश किया वो जो उधर खड़े हो, मैं सबको याद रखता हूं और मैंने इसलिए तुम्हारा फोटो भी खिंचवाया है, जब तुम्हारी बस्तियों में उसमें आऊंगा फिर तुमसे बात करूंगा। मेरे साथ हो रही है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर
अवसर की समता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 आज 26 नवंबर 2023 को एतदाब द्वारा इस संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आप मेरे साथ संकल्प लो कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे अपने दल आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर बनाएंगे शक्तिशाली बनाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे और जब तक उनके सपने पूरे नहीं होते हम जैसे नहीं बैठेंगे नहीं धोखा मत दो। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस अपने नालायक समाज को लायक बनाने का काम कर रहा हूं। देखो कैसी ताली बजाई इन्होंने, समझते हो? मैं भी समझता हूं। ये नालायक सुनकर खुद को देखो कितना खुश हुए। देखा आपने, जो समाज इतना भोला हो उसको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। राज वो लोग करते हैं जो समझदार लोग होते हैं, बेवकूफ लोग कभी राज नहीं करते हैं। जब तक लापरवाह रहोगे, गैर जिम्मेदार रहोगे, कमजोर रहोगे, तब तक राज तो बहुत दूर की बात है, कुर्सों के आसपास भी फटक नहीं देगा कोई आपको। राज करना है तो राज जैसी सोच पैदा करो, समझते हो? राज जैसी सोच लापरवाह लोगों की नहीं होती, गैर जिम्मेदार लोगों की नहीं होती। पहले जिम्मेदार बनो, अपने कंधों को जिम्मेदार उठाओ और फिर अपनी उसकी हिसाब की मदद करो, तब जाके आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।
है।